अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है लेकिन जो आप खाते हो वो आपके शरीर में नहीं लगती और आप इस बात को लेकर परेशान हो कि हम अपनी बॉडी कैसे बनाएं, अपने बॉडी को फिट कैसे रखें, तो आपके अच्छा खाने के बावजूद अगर बॉडी नहीं बन रही है तो आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना होगा, ताकि आप जो भी खाओ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसे अच्छे से पचा के आपके भोजन के सारे पोषक तत्व तो आपकी बॉडी को पहुंचा सके। आपको इस वीडियो में मैं 5 टिप्स बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा और जो कुछ भी आप खाओगे आपके शरीर में लगेगा। तो पहला काम, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करो ताकि आपका खाया हुआ अच्छे से पच सके और उसका पोषक तत्व तो आपके बॉडी में पहुंच सके। तो इसके लिए आप खा सकते हैं दही, और आप लोग आंवला और एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं। इससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, साथ में इंक्रीज भी होंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप लोग ऐसी चीजें खाइए जिनमें ज्यादा फाइबर हो, क्योंकि फाइबर हमारे डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। तो आपको खाना है हाई फाइबर वाले फूड्स जैसे बीन्स, चना, केला, इनमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। तीसरा, कुछ लोग एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बार में ज्यादा खाना खाने से हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे अच्छे से नहीं पचा पाते, इसलिए दिन भर में 5 बार खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। चौथा, जो भी आप खा रहे हो उसे अच्छे से चबा चबा के खाओ। जल्दी खाने के चक्कर में हम खाना अच्छे से चबा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं पचता। अगर आप खाना अच्छे से चबा कर खाओगे तो खाना आपके स्टमक में जाते ही पचना शुरू हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समय लगाकर खाना खाओ। लास्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ड्रिंक वाटर प्रॉपरली। खाना खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक पानी मत पीना। पानी जब भी पियो कोशिश करो बैठ कर पियो और घूंट घूंट में पियो। बहुत सारे लोग एक बार में ही पानी गटक जाते हैं, जो कि सही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने इन बातों को फॉलो किया तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त होगा और आपका खाया पिया आपके शरीर को लगेगा। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।